एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो इस बार जो पैटर्न मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मैं यूज करूंगी 4 कलर। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा और बिल्कुल अलग हटके अभी तक का पैटर्न बनने वाला है। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 6 to 7 ईयर्स गर्ल के लिए एक खूबसूरत सा बेबी टॉप। टॉप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें मैंने बेस कलर जो लिया है वो येलो कलर है। देन मैंने उसमें फिरोजी व्हाइट एंड ये रानी कलर है, इसमें आपको रेड लग रहा होगा बट ये रानी कलर है। इन 3 कलर को मैंने यूज करके बहुत ही खूबसूरत सी उसमें डिजाइन बनाई हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका ऊपर का पार्ट बनाना बताऊंगी, जिसमें फिरोजी व्हाइट और रानी कलर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं येलो कलर को यूज करूंगी। इन 3 कलर को मैंने कैसे यूज किया है, कहाँ पे लगाया है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन है। स्लीव बिल्कुल यूनिक अम्ब्रेला पैटर्न पे बनी हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। है तो ये वूलन टॉप, लेकिन लुक इसका जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल गर्मियों वाले टॉप की तरह। गर्मियों वाले टॉप की तरह का मतलब है कि जैसे आपको स्टाइलिश टॉप मिलते हैं, उस तरीके का स्टाइलिश टॉप ये बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने में मैंने 3.5 mm क्रोशिया हुक, मींस 8 नंबर की क्रोशिया हुक को यूज किया है। बाकी बड़ा या छोटा कैसे बनाना है ये मैंने आगे बताया हुआ है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बट आपसे आज एक अलग रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि मैंने एक दूसरा चैनल हॉल वीडियो का स्टार्ट किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में दे दिया है, आप लोग जाएं प्लीज। उसके कुछ हॉल वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, देखें। अगर आपको पसंद आता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। तो यहाँ मैंने ली है 3-ply की वूल और बनाऊंगी मैं इसे 3.5 mm के क्रोशिया हुक से। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें टोटल 80 चेन्स बना लेनी है। 80 चेन से मैं इसे स्टार्ट करूंगी। आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 90 चेन या 100 चेन से भी बना सकते हैं। बीच का साइज अगर आप चाहते हैं तो जो भी आपको बनाना है 2 के मल्टीपल में ही बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से टोटल 80 चेन बना के रेडी करेंगे। 80 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है उसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। जो सबसे फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। एक चेन एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है वही हमारी सिंगल क्रोशिया है। उसके बाद सेकंड वन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी चेन बनी है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। टोटल 80 चेन है तो 80 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन के रेडी होगी। ओके, इस तरह से बनाएंगे और सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली और अब जो फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। 1, 2, 2 चेन बनाएंगे, इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, सेम इसी स्पेस से डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वन में, सॉरी 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया। 2 चेन, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। एक चेन बना के ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के, 1, 2, 3, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से डालेंगे एक डबल क्रोशिया। 2 चेन,
सेम इसी प्लेस से डालेंगे। एक और दो, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वाली में जो नेक्स्ट ब्लॉक है दूसरा वाला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसके जस्ट बगल वाले ब्लॉक में दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले ब्लॉक में दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। तो अल्टरनेटिव बनाना है, एक बार आपको दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनानी है ब्लॉक में, और एक बार सिर्फ एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को भी पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में अगेन आपको इसे ऐड कर देना है थर्ड नंबर वाली चेन में। नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है फर्स्ट पैटर्न की, इसमें डालेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और दो चेन के स्पेस में आ जाना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। अगेन सेम प्रोसेस को ही करेंगे, तीन चेन पहले बनाएंगे, सेम दो चेन के स्पेस से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, सेम स्पेस से दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर ना कि रेडी की है। और अब यहाँ देखिएगा ये जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, एक क्रोशिया बनी हुई है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया आपने बनाई थी, इसमें आपको फ्रंट पोस्ट बनानी है। मींस इस तरह से नीचे से उठाना है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया को नीचे की तरफ से उठा लेंगे और यहाँ बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ओके, अगेन ये जो बटरफ्लाई पैटर्न है इसमें दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, दो चेन, एक और दो, दो डबल क्रोशिया। फिर से ये जो सिंगल वाली बनी हुई है, ये वाली, ये जो दो डबल क्रोशिया इधर की, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, ये बटरफ्लाई पैटर्न की है। जो आपने सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाई है इसी को नीचे की तरफ से उठाना है और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से जो दूसरा बटरफ्लाई पैटर्न है इसमें बटरफ्लाई पैटर्न मीन्स दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया ही बनेगी। सो इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे और इसके बाद दो और राउंड, मीन्स इस सेम पैटर्न पे हमें चार राउंड बना के रेडी करने हैं। छोटा साइज बना रहे हैं तो तीन राउंड बनाएं और बड़ा साइज बना रहे हैं तो चार राउंड बनाएं। अब बिल्कुल बड़ा साइज बना रहे हैं मीन्स काफी बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं, जैसे स्मॉल या मीडियम साइज जो बनता है बड़ों में उसमें बना रहे हैं तो छह राउंड बना लें। सो सेम पैटर्न को रिपीट करके पहले इसमें मैं बना लेती हूँ राउंड्स, उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये इसमें हमें फंदों को बढ़ाना है। तो इस तरह से यहाँ टोटल चार राउंड बन के रेडी हो गए हैं, एक दो तीन चार। वर्क के एंड में थर्ड नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच, अगेन ये जो दो चेन का स्पेस है यहाँ पे आएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए, फिर से तीन चेन, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया उसी सेम स्पेस से, मीन्स बटरफ्लाई पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें दो चेन, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह का ट्रायंगल एक वी बन के रेडी हुआ। अगेन दो चेन के स्पेस में बटरफ्लाई पैटर्न ही बनेगा, तो दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, सेम दो चेन के स्पेस पे दो डबल क्रोशिया। फिर से ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें नीचे की तरफ से डालेंगे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। सो इस तरह का कुछ पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे।
वर्क के एंड में सेम वैसे ही बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बना लेंगे। वर्क को ऐड करके नेक्स्ट राउंड में भी सेम बटरफ्लाई ही बनानी है। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। ये जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन के रेडी हुआ है, इसमें ये वाली फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन इधर वाली जो फ्रंट पोस्ट है इसमें भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, फिर से बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। ट्रायंगल पैटर्न पे पहला वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे में मैंने सेम पैटर्न को बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे सेम इसी पैटर्न को, जैसे दो दो रो मैंने बनाई है, यहाँ पे देखिएगा दो डबल क्रोशिया से दो रो बनाई है, सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, दो चेन के स्टिच में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे, पहली डबल क्रोशिया हो गई, एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, बीच में दो चेन, सेम स्पेस से दो डबल क्रोशिया, एक और दो। ये वाला जो पैटर्न है डबल क्रोशिया वाला, जो फ्रंट पोस्ट वाली, इसमें फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। अगेन जो दो चेन का स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट इसे नीचे से उठाएंगे और इसमें एज इट इज सेम वैसे ही बनाएंगे। अगेन ये दो डबल क्रोशिया दो चेन वाला पैटर्न है, तो इसमें ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनता है हमारा। अगेन यहां फ्रंट पोस्ट है, तो पहले फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दो चेन के स्पेस में दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और सेम ही प्रोसेस पे एक और राउंड बना के रेडी करेंगे। मींस ये जो पैटर्न है बटरफ्लाई पैटर्न, ये ऐसे ही बनेगा और जहां पे फ्रंट पोस्ट और दो डबल क्रोशिया बनी है इसे एज इट इज सेम ऐसे ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और दो डबल क्रोशिया में के बीच में ये जो दो चेन का स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस राउंड को और इसके बाद एक और राउंड को बना के रेडी करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और अगर मैं इसका योग साइज यहाँ पे मेजर करूँ तो ये अभी 5 इंच आ रहा है। ठीक है, मुझे लगभग इसमें 6 इंच चाहिए, तो सेम ही प्रोसेस पे दो राउंड और बना के रेडी करेंगे और उसके बाद फिर इसका इसे हमें घटाना स्टार्ट करना है कि इसमें घटाना नहीं सॉरी इसका आर्म होल अलग करेंगे और आगे और पीछे का पार्ट अलग करेंगे। तो जो साइज मैं बना रही हूँ 6 to 7 ईयर्स के लिए, उसमें हमें इसमें 6 इंच तक की चाहिए। अगर आप इसे 5 साल तक के बेबी के लिए बना रहे हैं तो 5.5 इंच रखें, उससे छोटा बना रहे हैं तो 5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें टोटल 6 इंच यहाँ पे बना के रेडी करूँगी। 5.5 से 6 इंच के बीच में होना चाहिए, तो मैं इसे दो राउंड और बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। सेम ही प्रोसेस पे बनाना है जैसे ये दो राउंड बनाया है आपने बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, और बाकी ये प्रोसेस जैसे है सेम वैसे ही बनेगा। तो ऐसे ही दो राउंड और बना के हमें रेडी करने हैं, टोटल 4 राउंड बना के रेडी करने हैं हमें सेम प्रोसेस पे। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा पैटर्न बना के रेडी कर लिया है और अब हमें इसमें इसका आर्म होल घटाना है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, ये जो बटरफ्लाई पैटर्न सारी जितने बने हुए हैं, जो बढ़े हुए हैं वो भी और जो पहले से चल रहे हैं, उन सबको मिलाऊँ तो मेरे पास टोटल 40 पैटर्न्स हैं।
तो इसमें आर्म होल के साइड में 9 9 रखूंगी, और उसके बाद फिर आगे और पीछे के साइड में 8 11 11 पैटर्न रखना है। तो जहां से देखेगा वर्क को ऐड किया है, इस वाले बटरफ्लाई पैटर्न से वर्क को ऐड किया है, तो सेम यहीं से काउंट करेंगे। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9वां पैटर्न है। तो ये जहाँ पे ऐड किया है और 9th नंबर वाला जो पैटर्न है, इन दोनों को मिलाते हुए आपस में हमें एक मार्कर लगा लेना है। यहाँ पे मार्कर लगा लिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 11th नंबर वाला है, इसके बाद वाला जो पैटर्न है इसमें मार्कर लगाएंगे। 11वां छोड़ देंगे, 12वां वाला जो है इसमें लगाएंगे, और यहीं से फिर से दूसरे आर्म होल के लिए काउंट करेंगे। तो आर्म होल वाला जो फिटिंग हुई है वो हमारी ऊपर से जो बटरफ्लाई चली आ रही है उसमें हमने लगाया है, तो 11 पैटर्न को छोड़ दिया है और 12वें पैटर्न में हमने यहाँ पे मार्कर को लगा दिया है। अब जहां मार्कर लगाया है वहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th नंबर वाला है। तो जहां मार्कर लगाया है और जो 9th नंबर वाला है, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए मार्कर लगा देना है। तो अब इसके बाद जो बचेगा वो हमारा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पैटर्न ही बचे हैं। तो 11 आगे के साइड हो गए हैं, 11 के पीछे के साइड हो गए हैं, और यहाँ हमने मार्कर लगा दिया है, ये हमारा आर्म होल हो गया है। तो अब हमें इसे पूरा ऐड करना है, तो चलिए बताती हूँ कैसे ऐड करेंगे इसे। तो यहाँ दोनों साइड जो हमारे पास पैटर्न है वो फ्रंट पोस्ट वाला है, इस साइड भी और इस साइड भी, आगे पीछे में जो बीच में जो पैटर्न बनेगा वो हमारा बटरफ्लाई पैटर्न बनेगा। सो जहाँ पे ऐड किया है आपने मार्कर को उसी स्पेस पे हमें पहले यहाँ पे 1 2 3 तीन चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन का स्पेस देंगे और सेम इसी प्लेस जो दूसरा पहले वाला, इधर से जो हमने मार्कर को ऐड किया था वहां दो डबल क्रोशिया बना ली है, दो चेन बना ली है, और अब जब दूसरे साइड में यहां पे मार्कर ऐड किया है तो दो डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, एक और दो। मार्कर को हटा लेंगे यहाँ से। सो ये देखिए, ये हमारा इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। ये हमारी एक नई डिजाइन बनेगी, जो ये दो चेन का स्पेस है इसमें एक नई बटरफ्लाई बन के रेडी होगी। ये इतना हमारा मार्कर बन के रेडी, आर्म होल बन के रेडी हो गया है। अब ये जो आगे का पार्ट है इसमें हमें बनाना है, तो जहां फ्रंट पोस्ट बनी हुई है वहां फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। दो चेन के स्पेस में दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा, जहां बटरफ्लाई बनी है वहां बटरफ्लाई, जहां फ्रंट पोस्ट बनी है वहां फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए नेक्स्ट वाले मार्कर पे आएंगे। वर्क के एंड में अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ दूसरे वाले आर्म होल के स्टार्टिंग में। ओके, अब यहाँ भी जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले दो चेन सेम स्पेस पे, सॉरी सेम स्पेस पे नहीं बनाना है, दो चेन बना के इधर वाला जो मार्कर है, मार्कर के इस साइड में, इस साइड जो हमारा मार्कर लगा हुआ है इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोनों में अलग अलग डबल क्रोशिया बनानी है, जो इसके नेक्स्ट वाले राउंड में आपस में कंबाइंड हो जाएगी। अगेन मार्कर को हटा लेंगे और इस साइड वाला भी हमारा आर्म होल इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, जो नेक्स्ट साइड है हमारी उसमें सेम ही डिजाइन को बनानी है। आगे और पीछे डिजाइन हमारी सेम है, तो सेम वैसे ही इसमें एक बार बटरफ्लाई और एक बार फ्रंट पोस्ट के साथ बटरफ्लाई बनाते हुए जहां से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है, तो यहां तक पूरा बना के रेडी करेंगे।
के एंड में पूरा राउंड मैंने बना लिया है और यहाँ से मैंने देखिएगा स्टार्ट किया था, तो थर्ड नंबर चेन में अपने वर्क को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में अगेन एक स्लिप स्टिच और ये जो हमने दो चेन का स्पेस बनाया था इसमें आएंगे और इसमें बनाना है हमें एक बटरफ्लाई पैटर्न अपने आगे के वर्क के लिए। दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर से ये आगे का साइड है, सो हमें यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और बीच में बटरफ्लाई है तो इसमें बटरफ्लाई बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक नया पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जो बिल्कुल साइड में कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पे बीच में बटरफ्लाई बनती है, तो देखिएगा इधर से भी फ्रंट पोस्ट ही है हमारे पास, ये वाला बीच में बटरफ्लाई है फिर इधर फ्रंट पोस्ट है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाले साइड पे आ जाएंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट आर्म होल है इसके दो चेन के स्पेस पे आएंगे। तो मैं नेक्स्ट साइड पे आ गई हूँ, नेक्स्ट आर्म होल पे फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना ली है। अब ये जो दो चेन का स्पेस है यहाँ पे बना लेनी है आपको एक बटरफ्लाई, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, अगेन फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बाकी के पैटर्न सेम वैसे ही बनेंगे जैसे बनते हैं। सो ये देखिएगा हमारा आगे और पीछे का कुछ इस तरह से बनके रेडी हो रहा है। सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है, यहाँ पे एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया है। ओके, इधर भी और इस साइड पे भी। सो ये पीछे वाला जितना भी है इसे हमें बनाते हुए सेम इस वाले पार्ट पे आ जाना है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग की है, जहाँ पे तीन चेन का स्पेस है वहाँ पे इसे ऐड करना है। सो इस तरह से मैंने ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है और अब इसे हमें इसी स्पेस पे ऐड करना है जहाँ तीन चेन है। थर्ड नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच और दो चेन के स्पेस में आ जाएंगे। तो अब ये आपको जो न्यू पैटर्न है वो साफ समझ में आ रहा होगा। सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तीन चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, सेम इसी स्पेस पे दो डबल क्रोशिया, मीन्स ये जो नई बटरफ्लाई बनी है इसमें बटरफ्लाई ही बनेगी। अगेन फ्रंट पोस्ट है वहां फ्रंट पोस्ट बनेगा और जहां बटरफ्लाई है वहां बटरफ्लाई बनेगी। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उसमें आपको ऐसे ही इसमें ऐसे ही राउंड राउंड वर्क करते जाना है। ये पूरा राउंड ऐसे ही होगा, ऐसे ही इसमें वर्क करते जाना है और जितना आप लंबा बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इसमें नीचे कुछ कलर्स को भी चेंज करूँगी। सो पहले ये बना लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा राउंड्स मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ मैंने नीचे कैसे कलर को चेंज किया है। सो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। इसके नीचे का पार्ट प्लस इसकी स्लीव आपको इसके पार्ट टू में मिल जाएगी। मैं इसमें कुछ लंबाई में इसे बना लेती हूँ, कितने राउंड बनाऊंगी और नीचे कौन से कलर को लगाना है मुझे ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।